बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक ऑनलाइन अर्निंग के सोर्स के बारे में बताने जा रहा हूं कि आप लोग किस तरह घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। मैं इससे पहले भी इसके ऊपर एक दो वीडियो बना चुका हूं, लेकिन लोगों के जहनों में बहुत से सवाल मौजूद है, उन सवालों के जवाब देने के लिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। लोग मुझे प्राइवेटली, तमाम लोग मुझे तकरीबन सवाल मुख्तलिफ कर रहे हैं और एक ही तरह के सवाल कर रहे हैं कि अर्निंग कैसे होगी, कितनी होगी, कब होगी, क्यों होगी, कैसे होगी और क्यों कर हमें ये वाली जो वेबसाइट है हमें ये अर्न करके देगी। तो इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों को अर्निंग होगी कैसे, उसके लिए आप लोगों को काम क्या करना पड़ेगा। आप लोगों ने एक वेबटॉक नाम की एप्लीकेशन अपने सिस्टम के अंदर, आप लोगों ने उसकी एप्लीकेशन भी है वो भी इंस्टॉल कर लेनी है और आपने वेबटॉक के ऊपर अपना अकाउंट बना लेना है। सेम वही प्रोसीजर है जिस तरह का प्रोसीजर आप लोगों की फेसबुक का है, वो आप लोगों को मैंने पहले एक वीडियो के अंदर बता दिया है कि आप लोगों ने साइन अप कैसे करना है। इसके बाद आप लोगों ने अपनी वेबटॉक की जो आपका अकाउंट होगा उसको आप लोगों ने कनेक्ट कर लेना है पायनियर के अकाउंट के साथ। इसमें आपका पेपाल का भी ऑप्शन होता है, बैरून मुल्क मौजूद दोस्त उसको आप लोग अलाउ कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो उसको उसके साथ, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि आपका पेपाल फंक्शनल नहीं है, पेपाल से इधर भी विड्रॉ हो सकता है लेकिन उसमें कभी कभार कुछ मसाइल आ जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि अगर आप लोगों के पास पॉसिबल हो तो पायनियर का अकाउंट ही कनेक्ट करें। उसमें कुछ लोगों का जो इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि पायनियर का अकाउंट उनसे बन नहीं पा रहा क्योंकि वो एंड पर जाकर आईबीएन नंबर मांगता है, तो तमाम लोगों का बैंक अकाउंट नंबर नहीं है जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है। तो उन लोगों का ये इशू कैसे सॉल्व होगा, आप लोगों ने अपने मोबाइल के अंदर जैस कैश की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। जैस कैश की एप्लीकेशन के अंदर आप लोगों ने जब अपना अकाउंट बनाना है तो उसके अंदर आप लोगों को पायनियर का एक ऑप्शन जो है आइकन शो हो रहा होगा, उसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। तो वहां पर आप लोगों को वो दो ऑप्शन देगा, एक कनेक्ट पायनियर और दूसरा ऑप्शन होगा क्रिएट न्यू अकाउंट। आप लोगों ने क्रिएट न्यू अकाउंट के अंदर जाना है, उसमें जाके आप लोगों ने साइन अप का वो सारा प्रोसीजर मुकम्मल करना है जो किसी भी वेबसाइट के ऊपर या किसी भी ऐप के ऊपर जब आप अपना अकाउंट बनाते हो तो उसमें आप लोग अपना जो प्रोसीजर है वो मुकम्मल करते हो। इसमें आप लोगों को एक सहूलत ये होगी कि लास्ट पे जब वो आईबीएन नंबर मांगता है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है जैस कैसे आपका आईबीएन नंबर उठा के इधर लगा देगा और आप लोगों की वो टेंशन खत्म हो जाएगी। इसके बाद आप लोगों ने कनेक्ट कैसे करना है, आप लोगों ने वेब टॉक के अंदर जाना है। वहां वेब टॉक के अंदर जाके आप लोगों ने पेमेंट्स का एक ऑप्शन होता है, पेमेंट्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। वहां पर आप लोगों को नीचे आना है तो तीन चार मेथड शो होंगे कि आप लोग किस मेथड से अपनी पेमेंट्स वसूल करना चाहते हो। वहां पर पेपाल का भी होगा और पायनियर का भी होगा, तो वहां और भी ऑप्शंस मौजूद है लेकिन आपने वहां पर पायनियर को या आपने पेपाल जो भी आपका अकाउंट बना है उसको उसके ऊपर क्लिक करना है और उसको इसके साथ कनेक्ट कर देना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप लोगों को ये पे कैसे करेगा, आपको वेबटॉक पे कैसे करेगी, वो क्यों कर आपको पे करेगी, घर बैठे आप लोगों को वो कैसे पे करेगी। तो इसके सवाल में ये मैं जो आप ये दूंगा, जिस तरह सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर एड्स चलते हैं और उन एड्स के बदले में कुछ जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वो पे करते हैं, कुछ नहीं पे करते, इसी की एक मैं एग्जांपल लूंगा यूट्यूब की। यूट्यूब आप लोगों को जो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आपके चैनल के ऊपर जो एड्स चलते हैं उन एड्स का 45% आपको पे करता है, 55% खुद अपने पास रखता है। अब YouTube में और वेबटॉक में फर्क क्या है, अब वेबटॉक के ऊपर आप लोग जब कोई पोस्ट करते हो उस पोस्ट के बदले में आपको लाइक मिलते हैं, उस पोस्ट के बदले में आपको कमेंट मिलते हैं, उस पोस्ट के बदले में आपको शेयर मिलते हैं, उन शेयर के आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं और उन पॉइंट्स के बदले में आपको डॉलर्स दिए जाते हैं और वो डॉलर्स हर महीने की 28 तारीख को आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो आपकी वेबटॉक का तरीकाकार ये है, ये इस तरीके से वेबटॉक आपको पे करती है। अब कुछ लोगों का सवाल ये होगा कि हमने काम शुरू कर दिया है, हमारे जो वेबटॉक का अकाउंट है या हमारा जो पायनियर का अकाउंट है उसके अंदर हमारे डॉलर्स नहीं आ रहे, तो उन दोस्तों के सवालों के मैं जवाब अभी से दे दूं कि आपके जो अकाउंट में पैसे हैं वो हर माह की 28 तारीख को आते हैं और उसके लिए आपकी कंडीशन ये है कि आपके $100 कंप्लीट हो चुके हों, यानी $100 से कम अमाउंट आपके पायनियर अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं होगी। आपके अकाउंट के अंदर अमाउंट तब ट्रांसफर होगी जब आपके $100 कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप लोगों ने काम करना कैसे करना है वो मैं अभी आपको एक छोटी सी वीडियो इसी वीडियो के अंदर दिखाता हूं कि आपने पोस्ट कैसे अपलोड करनी है। उसके बाद मैं एक और वीडियो आपको दिखाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो ग्रुप है उसके अंदर आप लोगों ने काम कैसे करना है ताकि आप तमाम लोगों को मैक्सिमम आउटपुट मिले।
अब इसके अंदर एक सवाल और भी है, वो मैं इधर ही मेरे जेहन में भी आया है, मैं क्लियर कर दूं कि आप अपनी आउटपुट मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो, आप अपनी अर्निंग मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो, आप वेबटॉक से ज्यादा अर्न कैसे कर सकते हो। इन सवालों के जवाब देने के लिए मैं आपको बताता चलूं कि जितने ज्यादा आपके रेफरल होंगे आप लोग उतना ज्यादा अर्न करोगे। मिसाल के तौर पर आप काम कर रहे हो वेबटॉक के ऊपर, आपने पोस्ट की, पोस्ट के बदले में लाइक मिले, कमेंट मिले, शेयर मिले, आपकी अपनी एक्टिविटी की अर्निंग है 500 पॉइंट्स। अब आपके रेफरल से 10 लोग हुए हैं, आपने फॉर एग्जांपल पूरे महीने में 10 लोग किए हुए हैं, अब वो 10 लोग जो एक्टिविटी कर रहे हैं, अब उनको फॉर एग्जांपल 200 पॉइंट भी वो लेते हैं, तो वो 200 पॉइंट भी आपके पॉइंट्स में शामिल होंगे, उनको तो वो पॉइंट्स मिलेंगे बोनस में, आपको वेबटॉक आपको भी देता है। फॉर एग्जाम्पल आप 10 लोग आपको 200 पॉइंट देंगे तो 2000 पॉइंट आपके वो होंगे और 500 पॉइंट्स आपके अपने होंगे। अब वेबटॉक कितना पे करता है, सवाल ये रेज होता है, वेबटॉक कितना पे करता है। वेबटॉक आप लोगों का पे करता है आप लोगों के पॉइंट्स के हिसाब से। अब आपका जो फॉर एग्जाम्पल आपके पॉइंट्स जितने आपके रेफरल से हैं उनके 50,000 एवरेज पॉइंट बनते हैं एक मंथ के अंदर, और आप लोगों के 30 रेफरल हैं तो आपको $150 एक महीने के दिए जाएंगे। ये तरीका कार है वेबटॉक का। मुझे उम्मीद है कि तमाम लोगों के जहनों में मौजूद तमाम सवालों के जवाब मिल चुके होंगे, लेकिन फिर भी अगर कुछ सवाल मौजूद हैं तो मैं हाजिर हूं, मैं जवाब दूंगा, मैं आप लोगों को तमाम चीजें समझाऊंगा। मैं अब कुछ दिन इस वेबटॉक के ऊपर मुकम्मल आप लोगों को गाइड करता रहूंगा, जब तक आप लोगों को मुकम्मल समझ ना आ जाए। कोई बहुत मुश्किल प्रोसेस नहीं है, मुझे उम्मीद है ये वीडियो काफ़ी हद तक आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। इसके बाद पायनियर का अकाउंट जो है वो लोगों को बनाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है अभी तक, वो भी मैं एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा फारग वक्त में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। दोस्त सवाल कर रहे हैं कि हम लोगों ने वेबटॉक के ऊपर अपनी पोस्ट कैसे अपलोड करनी है। तो ये देखिए गूगल क्रोम के अंदर मेरी पहले ही वेबटॉक जो है मेरी वो ओपन है, ये वेबटॉक के अंदर मैं आ गया। अब ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन है ये क्रिएट पोस्ट का, इसके ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पर आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हो, वीडियो अपलोड कर सकते हो, कोई फ़ाइल अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर गए, इधर फ़ोटो के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे आप जो भी फ़ोटो अपलोड करना चाहें वो कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने पहले पोस्ट अपलोड की हुई हैं, पाकिस्तान का परचम कर देते हैं अपलोड। अब इधर क्रिएट पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है। ये देखिए आपकी पोस्ट नीचे अपलोड हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि तमाम दोस्तों को समझ आ गई होगी।